परेशानी तो बहुत है, ये जाम ये कोई जाम तो रोज लगता है, जाम तो डेली टेम्पू वाले लगाते हैं, पब्लिक को जाना मुश्किल होता है। सुबह आप आके देखिए ना भोरे, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी होती है बेशरम। पुलिस कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करती है। प्रशासन आती है सीधे उन्हें चल जाती है मुड़ के, उसको मिलता होगा ना। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से बबलू पारचा बात कर रहा हूँ। सर, कमेटी वालों का फायदा क्या होता? कमेटी वाले तो पहले इतला कर देते हैं यहाँ पर आके कि कमेटी आ रही है, भग जाओ यहाँ से, हटा लो सब ठेलियों को। यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है सेक्टर 68 में। नवीन जी हैं कोई यहाँ पर, जय जो है इनको देख रहे हैं, उनकी खुद गाड़ी आकर यहाँ पर ये बताती है रेहड़ी पटरी वालों को, भग जाओ यहाँ से, कमेटी आ रही है, हटा लो यहाँ से। तो फिर फायदा क्या सर इनको परेशान करने का, जब इन पे कि कमेटी अगर चुपचाप आए तो भरा भरे ना, ये सारी ठेले ना हट जाएंगी। लेकिन वो ये ना कि खाना पूर्ति पैसा कहाँ से जाएगा, नवीन जी ऐसे खुद पैसा लेता है तो क्या करेगा आदमी, बताइए। अभी कमेटी आई है नहीं, पहले आगाह कर दिया कमेटी आ रही है, भग जाओ है सब लोग, सारी रेडी पटरी हटवा दी। अब हटवाने के बाद अब कह देंगे जी कमेटी वहाँ गई थी, वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं, तो कारण ये भी तो आ रहा है ना। फिर फायदा क्या हो रहा कमेटी भेजने का, नाला पूरा भी लोग कर रखा है रेडी पटरी वालों ने, जो पत्तल सत्तल सब इसमें फेंक देते हैं लोग, ये बताइए। इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा, ये कमेटी वाले, ये कमेटी वाले खुद मिले हुए भैया इन लोगों से, ठीक है साहब, कोई फ़ायदा नहीं कमेटी को भेजने का।